हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। भाई अभी सो के उठा हूँ बिल्कुल, और भाई अभी फ़ोन आया था जस्ट कि भाई वो पुरानी स्कूटी बेचनी है ना, नहीं ले आया। तो भाई उसके लिए कोई भाई आया देखने के लिए, उसको दिखवाता हूँ यार, देखते हैं बिकेगी या नहीं बिकेगी, मिलवाता हूँ आपको उससे। भाई अपनी पुरानी स्कूटी दे दी, पुरानी स्कूटी गई है मेरी सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये में कबाड़ी वाले के। देख रहे हो कितना स्ट्रगल चल रहा था, सुबह सुबह उठा था ये काम कर दिया, 5 में गई है। हाँ भाई क्या करे, मजबूरी थी, दे दी, खड़े रखते क्या करता उसका मैं। वो 2.5 लाख की कुछ नहीं बिकी, वो सिर्फ और सिर्फ बिकी है 5,000 रुपये की। हेलो क्या हाल है? ठीक है, सुधर जाओ, सुधर रहे हो ना? पूछा लगा आवाज में है, सिस्टम पता होगा तू चल। अरे भाई दादा एक नंबर का है हमारा, मोहल्ले का है, मोहल्ले में रहते हैं। चलो मिलता हूँ भाई घर जाके, ठीक है। 0.5 कर ले भाई, अपनी जिम में आगे सीधा नहा दोगे, पूजा वूजा कर ली अपनी। और भाई गर्दन बहुत दर्द हो रहा है, कल रात को गिर गए थे हम, ये अपना नमूना भाई भी आ गया। बहुत गुंडा पड़ा रहा है तो भाई, बहुत गुंडा पड़ा रहा है कल, पूरी शरीर टूटी हुई है। और जब भी जिम में आ गए मैं, चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, कुछ ना चेस्ट मारूंगा। देखिए भाई जिम का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है अपने। हाँ भाई, भाई इस भाई के लिए रिश्ता हो तो बताना, भाई ये बार बार कहता है यार शादी करा दो, इधर भाई से शादी कराता हूँ। अरे आजा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, ये आ जा भाई। इसका नाम क्या नाम है? आनंद नाम है भाई। उम्र क्या है? उम्र क्या है भाई? कुछ कोई लड़का वाला हो तो सेक्टर के जिम में, भाई ये काम करता है, मैनेजर है, कोई लड़की हो तो सेक्सी सी भाई, इस भाई को ढूंढ कर देखना। स्मार्टी लौंडा, स्मार्टी लौंडा, देख लो भाई, कोई दिक्कत ना है। ठीक है भाई, बोल दिया है, लड़की बता लेगी, इंस्टा आईडी बता दे अपनी। इंस्टा आईडी नहीं बता रहा भाई, क्या है इंस्टा आईडी? इंस्टा आईडी नहीं पता भाई, इसको इंस्टा पे है ही नहीं, एक है नंबर दूंगा तुमको, रुक जाओ भाई। अपनी स्कूटी में ना इसका टोपा भूल गया, पूरी जिम में ढूंढ रहा हूँ, बचगी नाली में गिर जाती भाई अभी। भाई ये मैंने अपनी स्कूटी है ना बिल्कुल आज गेट पे लगाई है, और पुराने वाली स्कूटी वहाँ लगाते थे वहाँ, तो भाई फर्क तो पड़ता है। भाई ठीक है, बढ़िया। क्या कर रहा है बैठ के? बैठा हूँ, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, सारी सुधाई कभी इसकी बहू देख ले, इसका डिवोर्स हो जाए एक लोग के चक्कर में। इसकी देर तो शादी नहीं हुई ना, एक की शादी नहीं हुई भाई। भाई गर्दन ने बहुत तेज झटका आ रखा है, वर्कआउट तो ऐसे ही हो, हल्का फुल्का पंप देख लो बस, अगर ठीक है ना पंप तो ठीक है। और जो मेरा पार्टनर था ना, उसके तो बहुत बुरा हालत है, उसने तो एक्सरसाइज ही नहीं किया, हाथ में झटका आ गया है। ये देखना, अरे फ्लैश होना भाई, ध्यान तो अब दिया है। क्या कह रहा भाई? मतलब पुराने वाली थी तो इतनी दूर खड़ी कर क्या करता, अरे इतनी स्कूटी आ गई तो कितनी सांग कर रखी है भाई। भाई देख अपना नू है, अरे वो तो पार्किंग नहीं मिले करती, गाना नया कुछ नहीं होती भाई। ये भाई कह रहा है पुरानी वाली स्कूटी में दूर खड़ी करके आता था, और नई वाली बिल्कुल जिम के नीचे लगाई है विद अलॉय। भाई वो कपड़ा मरवा लूँगा क्या, उसमें तू छीट मार रहा पानी की। भाई अभी वर्कआउट कंप्लीट करा है, वर्कआउट तो ऐसे करा, मेरे गर्दन दर्द हो रहा है, इसके हाथ में झटका आ रहा है, रात को ज़्यादा ही बैडमिंटन खेल लिया यार, खेल लेना थोड़ा बहुत। तो अभी भाई जा रहे जूस पियेंगे, खेल लेते हल्का फुल्का, तो साइड इफेक्ट हुआ है ना, साइड इफेक्ट तो हर चीज़ में हुआ है, कुछ भी कर ले ज़्यादा। भाई हर चीज़ मेहनत करेगा तो साइड इफेक्ट तो होगा ही भाई। डिग्गी को खोलूँ, डिग्गी को, ठीक है भाई मिलता हूँ तुमको।
स्कूटी पे जा रहे हैं सीपी हनुमान मंदिर, स्कूटी का मत्था टिकवाने बाबा के पास। ये देखो समुंदर, समुंदर नहीं झरने, ये झरने देखो भाई, झरने देख रहे हो भाई। और गाड़ी चल रही है 520 की स्पीड में, स्पीड भाई 50 ही है भाई। अपनी नई स्कूटी बिल्कुल सीपी हनुमान मंदिर ले आए अंदर तक। सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ तुमको भाई कि सेक्टर 10 द्वारका से लेके सीपी तक विदाउट हेलमेट, विदाउट नंबर प्लेट। और कुछ कमी है इसमें क्या? सारी कमी है, कमी है अभी, मतलब कमी है सब कुछ। पर भाई ले आया हम, दुनिया भर के पुलिस वाले खड़े थे, सिर्फ बाबा की दुआ से आ गए हम, टाइम से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और तुमको नई चीज़ और बताएंगे कम। मैं और ये भाई सोच रहे हैं स्कूटी पे दिल्ली टू जयपुर, बता भाई बता, दिल्ली टू जयपुर सोच रहे स्कूटी से। अगर 100 लोग कमेंट करेंगे यस जयपुर निकल जाओ, तो भाई अगला व्लॉग जयपुर का होगा, मजाक से हटके। क्या कह रहा है भाई, सही कह रहा हूँ? डन है भाई, डन है, डन है भाई, बिल्कुल डन है। अब दर्शन कर ले बाबा के और फिर मिलते हैं आपसे। और भाई कमेंट करना ना भूलना, कम से कम 100 लोग, फिर स्कूटी जाएंगे दिल्ली टू जयपुर। चलो पूजा करते हैं भाई अभी हम। भाई ये स्कूटी सिर्फ यहीं तक जा सकती है, यहाँ से चढ़ नहीं पाएगी, जीने में नहीं चढ़ पाएगी ना ऊपर। ठीक है भाई अभी मिलते हैं अगर थोड़ी देर में। लॉक कर दे अच्छी तरह भाई, बड़ी कीमती है, लॉक कर दे भाई। अभी बढ़िया पूजा वूजा हुई है, बढ़िया दर्शन हुए हैं, बढ़िया केले मिल गए प्रसाद बाबा का, इससे ऊपर कुछ चीज़ ही नहीं है भाई। और भाई अब थोड़ा खाएंगे पिएंगे कुछ जो भी है। भाई घर पहुँच के अपना खा रहा है हरा साग और चटनी और घी। भाई एक बात हूँ मजाक से हटके, नई स्कूटी पे सीपी जाना विदाउट हेलमेट, और वो भी बिना इंश्योरेंस बिना पोल्यूशन, भाई रिस्क का काम है। इतनी जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, इतनी जगह पुलिस वाले, बहुत जगह पुलिस वाले मिले। और सबसे बड़ी बात भाई वो जो ड्राइवर है, तो तुमको तो पता ही है ड्राइवर कितना तगड़ा है। कुल 17 मिनट में सीपी से घर पहुँचा दिया उसने, 17 मिनट में। स्पीड में भी नहीं चलाई 50 पे बस, क्योंकि नई स्कूटी चला नहीं सकती ज़्यादा, 50 पे चलाई बस, बढ़िया ड्राइवर तगड़ा भाई। और भाई कोई अपने आपको ड्राइवर मानता हूँ ना कि मैं ड्राइवर हूँ भाई, अगर उसे गाड़ी में रेस लगा देना, बेशक कोई सी गाड़ी ले आना और उससे उसके पास उसकी वरना दे देना एक बार उससे, फिर दिखाते हो ड्राइविंग किसे कहते हैं भाई। मजाक से हटके कह रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ा ड्राइवर है भाई। रोटी खा लो तुम भी आ जाओ, सरसों का साग है, नूनी घी है, चटनी है। चलो भाई खा लो खाना, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। आज जाना बहुत बढ़िया जगह, जागरण करवाया एक भाई ने, जागरण में जाना खाटू शाम के बाबा के। तो मिलते हैं भाई हम आपसे शाम को, ठीक है? अब खाना खा लो, 4-5 तो बज ही गए हैं, सुबह से अब खा रहा हूँ खाना। ओके देखा कैसा लग रहा हूँ भाई, देखना यहाँ फंस गया। तो भाई रेडी हो गया अपने, बढ़िया शाम को 6:30 बजे अब जाकर हम जा रहे हैं, एक भाई ने करवाया हुआ है। और बताओ भाई तुमने कमेंट नहीं करे अब तक, 100 लोग करोगे जब ही निकलेंगे हम स्कूटी पे, इस नई स्कूटी पे, तो करो फिर हम तुमको व्लॉग देंगे, ठीक है भाई? मिलता है थोड़ी देर में पहुंच के आपको, मंदिर जा रहे हैं तो आज शनिदेव के मंदिर जाते हैं शनिवार को। भाई ये अपना शनिदेव मंदिर है, ये शनिदेव जी के, और भाई अपनी पूजा हो गई है, बढ़िया। अब हम जा रहे हैं जागरण में, ठीक है भाई? अभी दिखाता हूँ तुमको फटाफट, ये देखना ये तो 4 घंटे फंसे, लेकिन कई तो 24 घंटे में फंसे रहे। भाई आज खाटू श्याम जी भगवान का हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो जागरण करवाया भाई, बढ़िया खाना पीना करा रखा वाटिका में भाई ने अपने, और भाई हमने भी खाना वाना खा लिया, हमारा भाई है, सबको प्रसाद मिल गया, हम भी प्रसाद ले आए भाई, बढ़िया भीड़ और के बढ़िया दर्शन हो रहे हैं भाई। भाई अपनी स्कूटी लगा दी प्लाट पे, खड़ी कर दी, और भाई प्रसाद लेके आया था, और भाई गले में घूम रहे बेवड़े। तो भाई ओ यार, तो चलो घर आ गया भाई, 2 मिनट में करता हूँ, गाड़ी चल रहे हैं। ले भाई अपने घर आ गए, रात को लेट हो गए थे ज़्यादा ही, ठंड लग रही है, क्योंकि स्कूटी पे कुर्ता पजामा पहन रखा था तो ठंड लग रही है।
गली में इसलिए नहीं बोला मैंने कि दारू पी के गाली वाली बकरे थे, फिर अच्छा नहीं लगता लोग। तो भाई यो कमेंट कर देना जयपुर के लिए जो भी हो सीन, और भाई इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सभी भाइयों का राम राम और जय श्री राम भाई।